हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे गोभी, गाजर और अदरक का बहुत ही टेस्टी अचार। तो अचार बनाने के लिए सबसे पहले आप गोभी गाजर की अच्छे से सिलेक्शन करें, क्योंकि जितने अच्छे से आप सब्जी की सिलेक्शन करेंगे अचार उतना ही अच्छा बनेगा। तो मैंने देखिए यहाँ इस तरह का एक गोभी का पूरा 1 kg का पीस लिया है। तो इसके आप सारे डंठल निकाल लीजिए। इन डंठल से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इन पत्तों को मिक्स करके डंठल में बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। सो आप इन्हें फेंके नहीं, वेस्ट ना करें, इसकी सब्जी बना के तैयार करें। तो अभी हम गोभी के यहाँ पे पीसेस कट कर लेते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पीसेस रखें, आपको बड़े पीसेस रखने हैं या छोटे। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज रखा है। अब हम गाजर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो गाजर आप इस तरह की छोटी छोटी सिलेक्ट करें और इसको 4-4 पीसेस में कट कर लें। ये 4 पीसेस आधी के हो गए हैं, आधी के 4 पीसेस इसके हो जाएंगे। तो पूरे 8 पीस एक गाजर के हमने यहाँ पे किए हैं। आप ज्यादा छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, बट अचार बनने के बाद ये कम हो जाता है साइज में, तो थोड़ा सा इसका साइज आप बड़ा ही रखें। तो अब यहाँ पे हम अदरक ले रहे हैं। अदरक को आप बाहर से अच्छे से छील लें और छीलने के बाद फिर अदरक को छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लें। तो अदरक को किस तरह कट करना है ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। आप पहले इसे ऐसे अच्छे से छील लीजिए, उसके बाद इसके छोटे पतली पतली स्लाइसेस कट कीजिए और फिर उन स्लाइसेस को धीरे धीरे से पतला पतला करके कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पतले पतले पीसेस में से कट कर लीजिए। अगर और छोटा पीस करना है तो इसको भी सेंटर से आप छोटा छोटा करके कट कर लीजिए, और भी ज्यादा छोटे पीस हो जाएंगे। तो ये आपकी चॉइस पे है कि आपको बड़े पीसेस रखने हैं अदरक के या छोटे पीसेस रखने हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। गाजर मैंने कट कर ली है अच्छे से, गोभी कट कर ली है। फ्रेंड्स, कट करने से पहले अच्छे से सब्जी को धो लें और सुखा लें, उसके बाद ही आप सब्जी को कट करें। तो ये देखिए हमारी ये रेडी है। तो अब हम चलते हैं इसको अचार डालने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी ले लिया है और उसमें मैंने छोटा सा आधे से भी कम चम्मच नमक डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है। नमक से पानी सब्जियों से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एकदम उबलता हुआ पानी लेना है। मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ किया है, तभी पानी उबल नहीं रहा है। उबलता हुआ पानी लेना है, उसमें डालना है और सिर्फ 2 मिनट सब्जी को हमें उस पानी के अंदर रखना है, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रखना है। और उसके बाद आप इसे बंद कर दें और एक छन्नी लेके उसे अच्छे से छान लें। ज्यादा देर इसको पानी में नहीं रखना, अदरवाइज आपकी सब्जी पूरी सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए इसे सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ही रखना है उबलते पानी में, और उसी टाइम से जल्दी से निकाल के तो ऐसे हिलाएं इसको, ताकि इसका पूरा जितना भी गरम इसका है वो सब बाहर निकल जाए धुआं, और ये एकदम से ठंडा कर लो इसे जल्दी से हिला के यहाँ पे। ये देखिए, और मेरा अभी सारा पानी निकल गया है इसमें से। तो ये अब मैंने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा रखा है। कॉटन का कपड़ा ले लें और उसके ऊपर सारी सब्जी को अच्छे से फैला दें। जल्दी से जल्दी इसका पूरा जितना भी ये गर्म है धुआं बीच से, सारा पूरा इसे बाहर निकालना है। इसे जल्दी से जल्दी ठंडा करना है, नहीं तो हमारी सब्जी सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलो, इसे आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं या धूप में रख के भी सुखा सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख के ही सुखा लूंगी। और इसमें आपको अदरक भी डाल देना है यहीं पे, क्योंकि हमें अदरक को भी थोड़ी धूप लगानी है। तो ये देखिए मेरा अच्छे से धूप में ये सूख रहा है। तो अब मैं ले आई हूँ इसे वापस। तो ये देखिए ये अच्छे से ड्राई हो गया है, इसमें कोई मॉइस्चर का बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा है, पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो चलो अभी हम अपना मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ले लीजिए आप मेथी दाना 2 चम्मच। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है। 1 kg गोभी ली थी उसके लिए, और 1 kg गोभी है एंड 1/2 kg यहाँ पे मैंने गाजर ली है। उसी के अकॉर्डिंग आप मसाला बनाएं। ये देखिए ये अच्छे से दरदरा सा पीस के तैयार करें, इसे ज्यादा पाउडर ना बनाएं। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं तेल। तो फ्रेंड्स तेल हमेशा यहाँ पे कच्चा लें, क्योंकि कच्चे तेल से जो अचार का टेस्ट है ना वो 2 गुना बन जाता है। इसे पका के बिल्कुल ना लें यहाँ पे। तो कच्चा तेल यहाँ पे मैंने 1 कटोरी डाला है सरसों का तेल, और इसमें मैंने मसाला डाल दिया है जो हमने ग्राइंड किया था, और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है राई। राई हमें 1 चम्मच लेना है, और साथ में 1 चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने मिर्ची पाउडर डाला है। तो नमक यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लें, यहाँ मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, बट मैं नमक इसमें और भी डालूंगी बाद में। नमक अगर थोड़ा ज्यादा रहेगा तो अचार की लाइफ ज्यादा रहेगी। तो अब हम यहाँ पे लेमन जूस डाल रहे हैं। लेमन जूस मैंने यहाँ पे 2 लेमन का जूस निकाल दिया था, और यहाँ पर मैं उतना ही विनेगर डाल रही हूँ जितना मैंने लेमन जूस लिया था।
थोड़ा सा विनेगर डाल दें क्योंकि उससे भी अचार की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। सो ये तो सीजनल अचार है, अगर आप इसको 1 मंथ के लिए डालें और फिर से और फ्रेश डाल के फिर बना के खाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप इसकी लाइफ ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा विनेगर मिक्स कर लें। तो आप देखिए, हम इसे अच्छे से, अब पूरे मसाले को हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें सारा अपना गोभी और गाजर जो हमने सुखा के रखा है वो सारा आप यहाँ पे हम डाल देंगे। तो हमारा मसाला भी तैयार है, सब्जी भी तैयार है, तो अब अचार तो एकदम से बन के तैयार होने वाला है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरे मसाले की कोटिंग हमारी पूरी सब्जी पे हो जाए, तो तभी हमारा अचार अच्छे से बनेगा। इसमें कोई भी और ज़्यादा मसाले बिल्कुल मत डालें क्योंकि मसालों से अचार का वो टेस्ट ही नहीं रहता है। तो ये ट्रेडिशनली एकदम सिंपल अचार है जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए, हमारी पूरी सब्जी पे अच्छे से कोटिंग हो गई है मसाले की, तो हमारा जो अचार है वो पूरी तरह से बन के रेडी है। तो अब आप कोई भी जार ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जार को अच्छे से धो के सुखा के उसके बाद ही मैं यहाँ पे अचार डाल रही हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा जार को अच्छे से सुखा लें, पानी बिल्कुल भी कहीं भी टच ना करें अचार में, अदरवाइज अचार खराब हो जाते हैं। तो चलो अभी हम इस डब्बे को अच्छे से फिल कर लेते हैं पूरे अचार के साथ। अच्छे से आपको इसको फिल करना है बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रख के। तो ये देखिए, मेरा अचार पूरा अच्छे से बन गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब मैं एक कटोरी सरसों का तेल और डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप तेल थोड़ा सा और डाल दीजिए। अब हमारा अचार रेडी है, अब इसे 2-3 दिन अच्छे से धूप लगा के फिर आप इसे खा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।